कोई स्वर्ग उधर जा रहा है, कोई स्वर्ग इधर जा रहा है। बस आप लोगों से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। राजेंद्र बहुत चिंतित हो रहे हैं, उत्सव प्रारंभ भी नहीं हुआ और हॉल भर गया। ऊपर से मैंने कह दिया ये चार रोज ये हटाओ, इसको हमको चाहिए। कि आप चिंता मत करो, ये तो एक परिपाटी है। कैसा भी उत्सव हो, भगवती एक बार तो फैलाई देती है। पिछले साल का स्मरण कर लो, गुरु पूजा के दिन जिससे भी आधी जगह ही मिली थी, हम आनंद से कर लिए थे, नहीं? ऐसे ही हमें पूर्ण विश्वास है साधकों के सहयोग से, श्रद्धा से, सहनशीलता से यहाँ भी अच्छा ही होगा। इनको विश्वास नहीं हो रहा है, चेहरा ऐसा तो मनोहर खराब है। मैं बोल रहा था तो अटल डिसबिलीफ ऑन हिज फेस। सही बोला मैं? उदाहरण के लिए ग्यारह तारीख को लिखा है, प्रातः 11 बजे शंकरालोक से सभा स्थल के लिए प्रस्थान। वेद व्यास मूर्ति के स्थापना रक्षामूर्ति यज्ञ पूर्णाहुति 10:30 ये दिया है, ये संभव ही नहीं है। पूर्णाहुति 11:15 होगी, उसके बाद आप प्रस्थान करेंगे 11:30। ऐसे ऐसे कुछ माइनर चेंजेस कर दे। उसके नीचे दिया है कि 5:30 शास्त्र पाठ। ब्लेसेड आर दोस लाइक सुनील तुपाले हु डोंट हैव दिस एट ऑल। एम आई करेक्ट?
हम कोशिश करेंगे ग्यारह तारीख सुबेरे आप लोग शंकरालोक में आएंगे तो 8 बजे शंकराचार्य पूजन, ये भी गलत है। 8 बजे ही जुलूस समाप्त होगी। आप लाए हैं ना, हाँ नोट कर लो इसमें। वेरी गुड बॉय, वेरी फ्यू हैव इट विद देम माय फ्रेंड। राजेंद्र के बहुत कुछ बचा हुआ है, वो ला के बांध लो, जिन जिन दरिद्रियों के पास नहीं। आठ बजे से 8:30 बजे तक कुछ गर्म जल के लिए समय ले हैं। 7 बजे से आप जुलूस में चल के आएंगे तो थक जाएंगे ना। 8:30 बजे जो पूजन होगा वो शंकराचार्य का नहीं, वेदव्यास जी का पूजन। महेश कहाँ बैठा है? शंकरालोक में, शंकर मंडप में जो नूतन मूर्ति वहां स्थापित होगी भगवती वागीश्वरी के बराबर, उसी को हम जुलूस में ले जाएंगे। बहुत सावधानी से उसको मंडप के बीच में स्थापित करना, रख देना। प्राय न्यास करके हम प्रतिष्ठा के बाद पूजा करते हैं। परिस्थिति को देखते हुए वो प्रतिष्ठित होंगे बाएं तरफ के द्वारपाल जैसा, वहां आप इनका पूजन देख नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान सूत्रकार से प्रार्थना कर लिया, हम पहले पूजा करेंगे बाद में आपकी प्रतिष्ठा करेंगे। व्यास जी की अर्चना सूत्रों से हम सूत्र कौन लाए, कौन लाए? तुम्हारे पास है? कालू के पास है? कहाँ रखा उसने? है पेटी में रखा है? जैसा ली हम तुमने दिया ना रघु से, वो खुला है। 108 नामों से अर्चना करना है। सफरिया में दी हुई मैं क्योंकि अधिक समय हमारे पास नहीं है, इसलिए प्रत्येक उपचार का आप श्लोक बोलेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। व्याम व्यासाय नमः आदि उपार्जन संस्थानी, व्याम व्यासाय नमः श्री अर्जुन संस्थानी। स्नान के बाद पुरुष सूक्त से अभिषेक करेंगे, उसके बाद वस्त्रो वस्त्र सर्पयामी, यज्ञोपवीतम सर्पयामी, आचरण सर्पयामी, सर्वोपचारार्थे अष्टानि समर्पयामी करके अंग पूजा के मंत्र दिए हैं। 180 87
अंग पूजा के मंत्र के बाद तुरंत अष्टोत्तर क्षय, अंग पूजा के मंत्र गंगाक्षत से करना और 108 के समय 10 यति गण खड़े हो जाएंगे, सबके पास हम सौ सौ देंगे 108, वो हरेक मंत्र में अर्पित करते जाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब इस सूत्र को साधकों तक पहुंचाने का समय माध्यम ये आप लोग सोच के निकाल दो, अभी दो दिन है। प्राय उचित लोगों को साधकों को मिलता नहीं है वो सूत्र, कोई ऐसे नीचे नीचे दे देते हैं। स्वयं सेवक को नियुक्त कर देना, उसी समय वितरित करना हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से जाते समय सोच लो मैं ये नहीं निर्देश करूँगा। उसके बाद कर्पूर आरती करके समाप्त करने के बाद फिर हमारा वक्तव्य हुआ। साढ़े आठ से नौ बजे तक समझ लो व्यास पूजन, उसके बाद फिर मेरा वक्तव्य के बाद स्वामी स्वामी जी महाराज का वक्तव्य होगा 11:15 बजे तक। 11:15 बजे पर सब लोग पूर्णावति में जाएंगे, इस प्रकार का जो संशोधन कर लेगा। इसी के अंतराल में मैं निवेदन करूँगा स्वामी सोमगिरी जी शास्त्र पाठ करके अपना वक्तव्य कर लें। ये ठीक रहे, भाष्यकार अवश्य चाहेंगे कि मेरे सामने प्रस्थानत्रय का पाठ करो, इसलिए वो शास्त्र पाठ का 5:30 बजे ये नहीं रहेगा। हो सकता है सार्वजनिक सभा 4:30 की जगह पर 5:00 बजे मैं शुरू करूं, मुझे वहां से यहां आने में कुछ टाइम लगेगा। 4:30 बजे आप लोग अपना कीर्तन प्रारंभ कर दो, 5 से 6 बजे तक सायंकालीन सभा, उसके बाद आधा घंटा अंतराल होगा जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयारी कर सके। 7 बजे की जगह पर हो सकता है 6:30 बजे ही हम शुरू करेंगे, तो बहुत लंबा हो गया। आधा घंटा में थोड़ा घर शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ परिवर्तन है, आप रोज उसको देख लेना। सामूहिक गुरु पूजन का कुछ क्रम अभी तक निश्चय नहीं हुआ, जो मुख्य कार्यकर्ता आप लोग मिलकर इसका कुछ निर्णय करो। पिछले बार मैं संतुष्ट नहीं था, व्यवस्थित नहीं थी, जितनी व्यवस्थित वैद्यनाथ जी में हुई थी वैसा ये पूजन नहीं हुई। वैद्यनाथ जी में बहुत अच्छा लगा,
हो सके तो आप लोग ये क्रम कर लीजिएगा। अबकी बार प्रकाशनों की वृष्टि होगी, चाहे जल की वृष्टि हो या नहीं हो। चलो हुए आ गई, सच्ची बोल रहे हैं। वाह, बहुत खुशी के बाद इसके अनुरूप 11 प्रकाशन आपके ऊपर हम बरस रहे हैं। इसलिए सुबह शाम और इसी समय हमारा मुख्य प्रकाशन विभाग संचालक हृदय रोग से ग्रस्त हो गए। मेरी बहुत चिंता हुई। शायद यहां बैठा होगा कहीं रिपोर्ट तो नहीं लाई है। बैठ डॉक्टर के पास गए? आज आ गया। दिखा दिया? कोई खतरा तो नहीं? नहीं सर। प्रसन्नता हुई कि इनके बीमारी की आशंका से कुछ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। वेलकम फॉरवर्ड वॉलंटियरिंग टू हेल्प। हर चीज में भलाई होती है। इसलिए पुस्तक केंद्र वाले सतर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशन आ रहे हैं, पुस्तक रूप से सीडी डीवीडी के रूप से उनको अच्छी तरह से प्रदर्शित करना, उपस्थित करना, खाली करना। मंडल पूजा को आप लोग संभाल सकेंगे, गुरु मंडल पूजन नहीं, स्वर नहीं आ रहा। ये महात्माओं का ही काम है। मैं समझ सकता हूँ आप क्यों संकोच कर रहे हो। पर सोमगिरि जी ने तो सारा रहस्य को खोल दिया, सार्वजनिक बना लिया। कह नहीं सकता हूं ये केवल सन्यासियों का ही है। पिछले बार मैंने देखा महेश के पास भी वो है, तो फिर हाँ क्यों नहीं कह रहे? तुम उसको लेकर संचालन कर सकते हो? क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने एक बहुत साधारण सा दिया, हम लोग विस्तार से करते हैं, पर अब की बार विस्तार के लिए कोई गुंजाइश नहीं। एक घंटे में मुश्किल से
बजे से लेकर 7 बजे तक गुरु मंडल भोजन 1 घंटे में समाप्त करना है। मेरी इच्छा होती है 3 समृद्ध देव मूर्तियों के 3 सूत्रों से होना चाहिए। संभव हो तो ये 3 सूत्र का प्रयोग मात्र करेंगे, बाकी अष्टोत्तर आदि नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पूर्व दिवस में हम व्यास जी का विस्तार से कर ही लेते हैं, मुख्य पूजा तो वही है, बाकी अष्टोत्तर आदि नहीं करेंगे तो संक्षिप्त हो जाएगा। फिर उसमें कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो मेरे से पूछ लेना ज्यादातर। इसलिए अब की बार बहुत कुछ उपलब्धियां हुई, शंकरारूप संरक्षण कोषालय में बहुत सफलता मिली आप लोगों के प्रयास से, उत्साह से, इसलिए सभी मुख्य कार्यकर्ताओं को समिति एक स्मारिका देना चाहते हैं। अब वो देने के लिए समय है, मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, आप सीधे आ जाओ। महादेव महादेव महादेव, ऊपरी बैठ गया, ऊपरी बैठ गया। समय पर आ गए, कल सवेरे उद्घाटन भजन मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया भजन है, इसलिए ये लोग गड़बड़ करेंगे। आप वालों को मैंने थोड़ा बताया है, वहाँ एक लोग अंदर हैं, वो कह रहे थे कि जरा कठिन लग रहा है, इसलिए आप सामने बैठना उस समय, मैं आपको और आपके साथ जो कैसेट में गाए हुए हैं वो 2-3 रहेंगे। बहुत अच्छा लगा मेरे को अद्भुत कैसेट, आपका नटराज गान से बहुत प्रसन्नता हुई है। इसका लोकार्पण कल सवेरे करूँगा, तो आप सामने बैठे रहेंगे। ऐसे ही अंतिम दिन भी कई साल से मैं गुरु पूर्णिमा पर आपको विशेष मंत्र देने के क्रम को
छोड़ दिया था आपकी बात तो ना। केवल पंडित जी उच्चारण करेंगे, यदि पंचपत्र नहीं हो तो आपको भी उच्चारण करने नहीं दो। तो अंतिम दिन भी आप सामने बैठे हैं पंचपत्र लेकर, बाकी लोग केवल नोट कर सकते हैं। अगर राजी है, तैयार है, तभी दोनों कुछ संशय हो तो पूछने के लिए एक चाहिए ना, अग्निहोत्री जैसे पूछते आप इन लोगों को संभाल लेना। और कुछ स्पष्टीकरण चाहिए तो कोई भी बोल सकता है। जालौर से कौन आया, खड़े हो जाओ। तुम अकेले हो, कौन है और कौन है, है? ये सब कब आएंगे? अभी तो सिर्फ पांच ही आए हैं। छे गोपाल जी आए हैं क्या? क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। कब? इसी महीने के 4 तारीख। तो बिस्तर पर है कौन? ये गोपाल जी नहीं, गोपाल जी गिरधर जी नहीं, गोपाल जी। तो गिरधर जी आपसे मिलकर गए कहाँ से? अच्छा, तो होटल नहीं छोड़ेंगे, छोड़ रहे हैं। सीपी का नाम आने वाले होटल में आ गए। हाँ, और कौन है? राजेंद्र सिंह जी भगवान सिंह जी है। सुनील के ससुर जी भी आए हैं ना? वो ही ना, मेरे को दूर से दिखाई नहीं दे रहा। गुप्ता जी भी आए। अच्छा, अविश्वति रेडी फॉर वर्क ना? देन यू आर नॉट ऑल राइट। What is your definition of all right? You are good? Good for study, work with your heart, work with job. Pranav Ghosh Shankara, Swaprakash Shankara. Pranav Ghosh Shankara, Swaprakash Shankara. Pranav Ghosh Shankara. Shankara Chidakash Natan Vesh Mahadeva Shankara
सर्वेश महादेव शंकर।